नमस्कार, आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं पानीपत से। आपको बता दें कि श्री महादेव जनसेवा चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से ऐतिहासिक कावड़ संकल्प पद यात्रा निकाली जा रही है और ये संकल्प पद यात्रा 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगी। 15 जून यानी कि कल से इस यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि ये यात्रा लगभग 1751 किलोमीटर की होगी। पहली बार कोई संकल्प पद यात्रा होगी जो कि इतनी ज़्यादा लंबी होगी। और आपको बता दें कि ये यात्रा हरिद्वार से श्री सोमनाथ महादेव ज्योतिर्लिंग वेरावल गुजरात तक पहुँचेगी। तो आज इस मौके पर चैरिटेबल ट्रस्ट के सदस्यों ने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। कल 15 जून को हरिद्वार से हर की पौड़ी से स्टार्ट होगी और ये 15 जुलाई को श्री सोमनाथ महादेव पर पहुंचेगी। ये लगभग 1751 किलोमीटर की यात्रा है। इसमें हमारे 25 साथी हैं और कावड़ के अंदर 12 बंदे रहेंगे जो 1x1 चलेंगे। इसलिए इस धार्मिक यात्रा में हमारा उद्देश्य सनातन धर्म में आई कुरीतियों को दूर करना, साथ में पेड़ लगाओ पर्यावरण बचाओ का संदेश देना भी रहेगा। ये यात्रा कितने दिन में समाप्त होगी? ये 1 महीने में समाप्त होगी। 15 जून को हरिद्वार से शुरू होकर 15 जुलाई को सोमनाथ पर संपूर्ण होगी। इसका रूट क्या रहेगा सर? इसका रूट हरिद्वार से बादराबाद, बादराबाद से मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से श्यामली, कराना, कराना के बाद पानीपत, पानीपत के बाद गुआना, गुआना के बाद रोहतक, रोहतक के बाद कलानौर, कलानौर के बाद महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ से नारनौल, जयपुर, जयपुर से अजमेर, ब्यावर, सिरोही, पाली, फिर गुजरात में एंटर हो जाएंगे। गुजरात के अंदर डीसा, पालनपुर, मेहसाणा, अहमदाबाद, गांधीनगर, राजकोट, जूनागढ़, कैसोद, वेरावल। 17 तारीख में हमने सभी यहाँ जो अपने सम्मानित जन हैं उन सभी को मंदिर में इनवाइटेड किया है और 17 तारीख को यहाँ पर छोटा सा भंडारा भी लगाया जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर भंडारे के समापन के बाद आगे प्रस्थान कर जाएंगे। हिंदुस्तान की सबसे लंबी पैदल कावड़ यात्रा है और पानीपत ऐतिहासिक नगरी से होने जा रही है और मैं सभी साथियों से एक विनती भी करता हूँ, अनुरोध भी करता हूँ, इस यात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा योगदान करे और पुण्य के भागीदार बने। और इसमें हमारा 1 महीने का पैदल का रास्ता होगा और खाना पूना सारा साथ ही रहेगा, हलवाई साथ रहेंगे हमारे साथ और हमारे साथ जो भी साथी चलने के उसके वो चल भी सकते हैं। और ये 15 जून को हरिद्वार से हवन यज्ञ करके भंडारा करके चलेगी और फिर 17 तारीख को पानीपत शिवा गांव शिव मंदिर में आ जाएगी। 3 बजे यहां पहुंच जाएगी। हमारे जो प्रतिनिधि है पानीपत के, जो गणमान्य साथी है उनको बुलाया गया है, वो एक कावड़ियों गौशाला भी बढ़ेगा इसमें और गांव के जितने भी साथी है पूरा ही गांव ला लो, वो सारा गांव कावड़ की स्वागत के लिए और यहां तत्पर खड़ा होगा। और जहाँ से भी हम हरिद्वार से हम चलेंगे वहाँ से जितने भी गांव रास्ते में पड़ेंगे सारे ही बिल्कुल स्वागत के लिए तैयार है। वही संकल्प पद यात्रा की अगर हम बात करें तो पहली बार इतनी लंबी यात्रा चलेगी। पूरे 1 महीने तक सभी भक्त पैदल ही इस यात्रा को पूरा करेंगे। बहुत अच्छा स्टेप है, हमारे यहाँ से पहली बार इतनी लंबी यात्रा चल रही है। 1751 किलोमीटर की यात्रा है, हिंदुस्तान की भी सबसे लंबी कावड़ यात्रा है और इसमें मैं तो सभी को शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान का आशीर्वाद लेकर आए और परमात्मा इनकी यात्रा को सफल करे। बहुत बढ़िया, गौरवान्वित बात है, गौरव की बात है, सफल हो परमात्मा इनकी, उसको भोलेनाथ जी इनको यात्रा को सफल करे, हमारी यही कामना है। यह यात्रा एक बहुत बड़ी यात्रा है, हरिद्वार से लेकर गुजरात महादेव सोमनाथ के मंदिर में जल चढ़ाया जाएगा और ये पैदल कावड़ यात्रा है। इससे हमारे को सुख शांति समृद्धि उन्नति मिलेगी, देश तरक्की करेगा, देश प्रगति को बढ़ेगा, आत्मविश्वास आत्मनिर्भर रहेगा, देश को विश्वगुरु बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ये हमारी सबकी मनोकामना है और हम सब मिलकर इस यात्रा में भाग ले रहे हैं।
वहीं आपको बता दें कि इस यात्रा में युवतियां भी शामिल होने वाली है। उन्होंने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम अन्नू है और मैं गांव सिवा की रहने वाली हूँ। मेरे माता पिता के सहयोग से मैं इस यात्रा में आगे बढ़ रही हूँ। उनके सहयोग के बिना, अगर ना होता उनका सहयोग, तो मैं नहीं कर पाती। ये सब मैं भारत की अखंडता के लिए कर रही हूँ। आजकल की युवा नारी पिछड़ती जा रही है, मगर मैं भारत का नाम ऊंचा करना चाहती हूँ, इसलिए मैं इस यात्रा में आगे बढ़ रही हूँ। ये 1751 किलोमीटर की यात्रा है। यह हरिद्वार से लेकर सोमनाथ तक है और ये 15 जून से स्टार्ट होगी और 15 जुलाई तक महाशिवरात्रि पर सोमनाथ मंदिर में जल चढ़ेगा और ये रेगुलर ही चलेगी। यह एक महीने की पद यात्रा है। सभी पैदल सहयोग करेंगे। हमारे जो और भी सहपाठी हैं वह 25 जने हैं और हमारे साथ चलने वाले 15 हैं। मैं बहुत सौभाग्य हूँ कि मुझे इस यात्रा का एक हिस्सा बनाया गया। 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक ये यात्रा चलने वाली है। तो आपसे अपील, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आप भी इस यात्रा में कोई अपनी इच्छा अनुसार सहयोग करना चाहते हैं तो आप सहयोग कर सकते हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उसे शेयर ज़रूर करें। वो सब पानीपत के लिए कुलवंत सिंह।